लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू यादव के मुख पर इन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम खूब देखने को मिल रहा है। विपक्षी गठबंधन की बैठकों में उन्हें जब भी मौका मिल रहा है वो राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाने से चूक नहीं रहे। शुक्रवार को जब विपक्षी गठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी वो राहुल गांधी का नाम लेने से चूके नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को मजबूत करने की बात भी कही। इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। मोदी सरनेम केस में कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी लालू के घर डिनर करने भी पहुंचे थे, जिसके बाद सियासत बेहद गर्मा गई थी। लालू के बार बार राहुल गांधी का नाम लेने पर अटकलें लगाई जा रही हैं। लालू राहुल को पीएम की रेस में आगे करना चाहते हैं, लेकिन इससे नीतीश कुमार नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि पीएम की रेस के लिए उनका नाम लिया जाए, राहुल का नहीं। इस मुद्दे पर हाल ही में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने लालू को पीएम कैंडिडेट किलर बता दिया और कहा कि वो पहले भी मुलायम सिंह की पीएम उम्मीदवारी को खत्म कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।